हजरत शेख सादी रहमत ते बयान फरमाते हैं कि मैं कुछ बुज़ुर्गों के इमरा कश्ती में सवार था और हमारी कश्ती के पीछे एक और छोटी कश्ती आ रही थी इतफाकान व छोटी कश्ती डूब गई और उसमें मौजूद दो भाई बम्बर में फंस गए हमारी कश्ती में मौजूद एक बुज़ुर्ग ने मलाह से कहा तुम इन दोनों को जिंदा निकाल लाओ तो तुम्हें हर एक के बदले पचास दिनार दूँगा मलाह ने दरिया में छलांग लगाई और एक भाई को जिंदा बचा लिया जबकि दूसरा मर गया मैंने मलाह से कहा यह ज़िंदा इसलिए बच गया कि उसकी ज़िंदगी अभी बाकी थी जबकि दूसरे का वक्त पूरा हो चुका था इसलिए तू उसे बचा ना सका मलाह ने मेरी बात सुनी तो मुस्कुरा दिया और कहने लगा आपकी बात दुरुस्त है मगर इसकी एक वजह और भी है मैं एक मरतबा जंगल में सफ़र कर रहा था और जब दुरान सफ़र थक गया तो जिसे मैंने बचा लिया उसने मुझे ऊँट पर बिठा लिया था और मरने वाले ने बचपन में एक मरतबा मुझे कोड़े मारे थे जिससे मेरी दिल आजारी हुई थी हजरत शहसादी रमतल ला फरमाते हैं कि मैंने मलाह की बात सुनी तो कहा कि अल्लाह हज वजल का फरमान हक है कि जिसने नेक अहमाल किए वो उसके लिए नफ़ा हैं और किसी ने बुरे अहमाल किए उनका वबाल उस पर है बस याद रखो कि दिल आज़ारी से बचो और जहाँ तक मुमकिन हो किसी का दिल ना दुखाओ अगर कोई तुम्हारे साथ नेकी करे तो उसके एहसान मंद रहो और मौका मिलने पर उसकी नेकी का बदला नेकी के साथ दो तो हकयात सहती ला ताला तह